भारत संग चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 गश्ती समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया है। लू ने अमेरिका के शांति संस्थान के कार्यक्रम में शुक्रवार को ये बात कही। लू ने कहा कि मालदीव भले ही देखने में छोटा देश है, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों को देखें तो उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन ऐसा करने में सफल होता है तो वो भारत ही नहीं अमेरिका के युद्धपोतों की आसानी से निगरानी कर सकेगा, जो डियागो गार्सिया नेवल बेस तक अक्सर जाते रहते हैं। डियागो गार्सिया एक ब्रिटिश मालिकाना वाला द्वीप है जिस पर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा बना रखा है। डियागो गार्सिया मालदीव से कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर है और हिंद महासागर में रणनीतिक तौर से बेहद अहम है। इसी नेवल बेस के जरिए अमेरिका चीन पर कड़ी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी और परमाणु बॉम्बर तक तैनात करता जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की चीन यात्रा के बाद ड्रैगन बहुत तेजी से माले के अंदर पैर पसार रहा है। मुइजू चीन की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, वो भी तब जब मालदीव चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। चीन के इसी असर को खत्म करने के लिए अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री माले पहुंचे थे। डोनाल्ड लू ने कहा, मालदीव के पास 1200 द्वीप हैं, उसका इलाका 53,000 वर्ग किलोमीटर का है। ये फ्रांस के आकार का है, इस लिहाज से मालदीव एक विशाल देश है। हम मालदीव को एक छोटा देश समझते हैं, लेकिन अगर रक्षा जरूरतों की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड लू ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और उपकरणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए अमेरिका ने मालदीव को वास्तविक समय के वाणिज्यिक उपग्रह डेटा के साथ साथ गश्ती नौकाओं और विमानों को प्रदान करने के प्रयास शुरू किए हैं। लू ने घोषणा की कि मालदीव की नौसेना को 4 गश्ती नौकाएं प्रदान की जाएंगी और एक विमान देने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये संसाधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। इस बीच मालदीव सरकार ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अमेरिकी सरकार गश्ती नौकाएं प्रदान करने पर सहमत हुई है या नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।